अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे यार। तो ये कि आज हम जो बात करेंगे वो है काशिप किंग। उससे पहले जो हुआ था 4E काहू के साथ, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था और बताया भी था भाई ये हुआ था। तो ये कि भाई आज हम बात करेंगे भाई काशिप किंग जो है यूट्यूबर है, मतलब गाड़ी वगैरह का बहुत ज्यादा शौकीन बन रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जाओ जल्दी कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी ब्लॉग आए आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और हम बात करेंगे अभी काशिप किंग की, तो इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ब्लॉग हो चुका है इस वक्त स्टार्ट। बाकी ये सीन है भाई काशिप किंग का, काफी सारे वीडियो यूट्यूब में है लेकिन कोई सही से एक्सप्लेन सही से नहीं हुआ। तो ये कि भाई मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जो लोग जानते हैं वो सुनेंगे, बाकी कुछ लोग नहीं भी जानते काशिप किंग को। ज्यादा उसकी जो मतलब पॉपुलर वो ज्यादा पंजाब में है, लाहौर में सबसे ज्यादा वो मशहूर है। बाकी ये सीन हुआ कि भाई काशिप किंग अपने रात को आया अपने ट्रैक पर, तो अपनी गाड़ी से पटाखे वगैरह जो कि मफलर फायर किट वगैरह होता है तो मार के वो चला गया था। उसके बाद एक वैगनर वाला था, व्हाइट कलर की जो वैगनर थी वो दिखाता हूँ लोगों को भाई, वो ये वैगनर वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई रिवर्स में वैगनर अपनी चला रहा है, देखो ये अपनी गाड़ी चला रहा है रिवर्स में वैगनर वाला। तो भाई वैगनर वाला जो है रिवर्स में गाड़ी चला रहा था। उसके बाद वो उतरा, थोड़ा भरम वगैरह उसने कराया, भाई गालियाँ वगैरह भी थी कि भाई कौन है वगैरह वगैरह। तो काशिप किंग को ये बात बर्दाश्त नहीं और उसने भाई उसको पकड़ लिया उधर। तो भाई यहाँ पर जो है काशिप की गाड़ी को जो है स्क्रैच वगैरह भी मारा, तो इसकी वजह से और थोड़ा उसको गुस्सा चढ़ा और उसने फिर वैगनर वाले के शीशे वगैरह सब कुछ तोड़ दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई उसने शीशे वगैरह काफी नुकसान भी पहुंचाया वैगनर गाड़ी को। तो भाई काशिप किंग थोड़ा मतलब कि वो हेटर्स को ज्यादा बहुत जल्दी रिप्लाई देता है और मतलब उससे बर्दाश्त नहीं होती ऐसी बात वगैरह। तो भाई सारा ये सीन था कि बस आगे देखते हैं भाई हमारे आज से क्या सीन है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं चाय पी रहा हूँ इस वक्त, तो चाय पीता हूँ उसके बाद मिलते हैं हम लोगों से। और तब भी यार मेरी सही नहीं चल रही है 2-3 दिन से, मतलब सही हो जाती है बीच में फिर उसके बाद दोबारा बुखार जैसा हो जाता है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है बुखार जैसा, जैसा कि आप लोगों को मेरे फेस से पता चल रहा होगा। मैं जो सोचा था कि डेली व्लॉग्स करूं लेकिन नहीं कर पा रहा मैं और गैप आ जाता है बीच में, तो यार मेरा ऐसा तो कोई नहीं है ना, मेरा चैलेंज तो किसी भी नहीं लगा, बाकी व्लॉग्स तो चलते रहेंगे। तो अभी ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये क्या मैं जा रहा हूँ शॉप पर। तो भाई जो काशिप किंग के साथ स्टोरी थी वो सुना दी मैंने आप लोगों को, अब चलते नीचे और चलते शिराज भाई के पास, काफी टाइम से व्लॉग भी नहीं बना रहा उनके साथ। बाकी ये कि तब भी थोड़ी डाउन चल रही थी, चेयर से लग रहा होगा, अब चलते नीचे। मैं आ गया था शॉप पे शिराज जी के पास। तो शिराज जी क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, अभी सीधा से मैं कहूँगा भूख तो मैं जा रहा हूँ शवरमा लेने, तो लेकर आता हूँ शवरमा और उसके बाद आके बताता हूँ। एक और बंदे की फाइट हुई जिसका नाम था काशिप किंग। अच्छा हाँ, तब यूट्यूब पे चेक कराऊंगा। अभी लेकर आए थे शवरमा, तो मेरे पास शवरमा लेने, तो अभी जल्दी से लेते हैं फिर जाते हैं शॉप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ले लिया है मैंने, अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे खाते हैं शिराज जी के साथ। माँ सफदर का ब्लॉग और यहाँ पर हम लोग का शवरमा चला, तो पहले इसको खाते हैं उसके बाद ये काशिप किंग की दूसरी फाइट भी शूट कर लेते। तो ये कि भाई इतने चलता रहेगा, बाकी इसके बाद खाते हैं फिर देखते हमारे क्या सीन है। One hour later. शवरमा तो मैंने खा लिया था, अब ये कि घर जाते जाते फ्राइज खानी है मैंने, तो यार ले लेता हूँ भाई। फ्राइज है 50 की फ्राइज है, तो अब लेता हूँ फ्राइज फिर जाता हूँ मैं घर। चलिए अब मैं जा रहा हूँ घर, तो मिलते हैं घर जाके। आ चुका हूँ मैं इस वक्त घर, जल्दी से खा लेते हैं खाना और हो जाते हैं फ्रेश, मिलते हैं खाने के बाद। ये है भाई अब खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, अब हम लोग जा रहे हैं शॉप पे दोस्तों की, जो कि सामान की काम भी है विंडो वगैरह करनी है, तो अब जल्दी चलते हैं वहाँ पर और फिर हम लोग आते हैं घर और फिर करते हैं लोग पॉइंट। अभी चलते हैं हम लोग दोस्तों की शॉप पे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर शॉप पे, तो सुबह को विंडोज वगैरह करनी थी, तो ये विंडोज सुबह ने कर दी है, अब ये हम लोग घर जाएंगे, तो मिलते हैं घर जाकर और जो है फिर करते हैं व्लॉग को एंड। अब हम लोग जा रहे हैं घर और जो है फिर जाते हैं घर जाके व्लॉग को करते हैं एंड। रास्ते से हमने जूस भी ले लिया क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक तो अभी नहीं पी रहा क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। ठीक है चलते हैं ऊपर और फिर करते हैं व्लॉग को एंड। मैं आ चुका इस वक्त घर और फ्रेश वगैरह भी मैं हो गया हूँ और बाकी ये कि भाई सुबह काशिप के साथ जो हुआ मैंने मतलब कल रात को हुआ था, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया सुबह में ब्लॉग के अंदर। तो भाई ये हुआ कि अगर आप ही कोई चीज़ को यार मारेगा डेंट वगैरह नुकसान पहुंचाएगा तो लाइट की बात है गुस्सा तो आएगा ना। तो वैसे मेरे ख्याल से बिल्कुल अपनी राइट में था काशिप किंग और जो उसको गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए उसको मतलब गुस्सा जाए देखा जाए। अगर कोई आपको चिढ़ाता है जैसे कि जेलसी करता है तो यार आप उसको इग्नोर करो, लेकिन काशिप ये है कि उसको रिप्लाई देता है अच्छी बात है, मतलब किसी वक्त हेटर को जो रिप्लाई दे देना। तो बाकी ये कि भाई उम्मीद अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Yeah.